डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग अपना प्यारा सा चैनल धीरे लाल मैथमेटिक्स में आप सभी लोग तहे तहे दिल से हाजिर अभिनंदन विद्यार्थी। आज हम लोग पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझे, जिसका लेक्चर नंबर 1 हुआ था, लेक्चर नंबर 2 से चलेंगे आज हम लोग। ये कॉपी है विद्यार्थी, इसमें क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसका लेक्चर दूसरा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोलता टाइन इनवर्स ओगन बाई टू प्लस टाइन इनवर्स ओगन बाई फोर बराबर, ये 2017 ने पूछा है। आप ऑप्शन यहां से बताना है, टाइन इनवर्स 3/2 है, बी में है टाइन इनवर्स 6/7, सी में है टाइन इनवर्स 5/6 और डी में है टाइन इनवर्स 1/2। और इसको हमको बताना कौन ऑप्शन है, लिख रहे सॉल्यूशन। क्वेश्चन है टाइन इनवर्स 1/2 प्लस टाइन इनवर्स 1/4, इसको पढ़ेंगे एक्स और इसको पढ़ेंगे वाई, तो बताइए टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x / y, तो टाइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो 1/2, वाई का वैल्यू 1/4 बटा 1 - 1/2 और 1/4, तो टाइन इनवर्स 4 में 2 से भाग दो तो 2 में एक से तो 2 1 - 1/8, तो टाइन इनवर्स 2 = 3/4, यहाँ 8 - 1 हो जाएगा तो 8 - 1/8, तो टाइन इनवर्स ये 3/4, अच्छा गुना ये भागा में है 8, ऊपर जाते गुना था 8, 8 में से दिया 7, 4 × 2 = 8, तो टाइन इनवर्स 3 × 6 = 7। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा होगा आप लोग, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, तो आज हम चलते हैं, अरे चले का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में। आज एक क्वेश्चन है, टाइन इनवर्स ओवन प्लस टाइन इनवर्स ओवन बाई 3 बराबर भाग, एक क्वेश्चन 2020 में, ऑप्शन ए टाइन इनवर्स 2, बी टाइन इनवर्स 3, ऑप्शन सी टाइन इनवर्स 4/3 और डी में टाइन इनवर्स 2/3। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ऑप्शन ए हो रहा है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन है टाइन इनवर्स ओवन प्लस टाइन इनवर्स ओवन बाई 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो ओवन, ये ओवन हो गया एक्स्ट्रा वैल्यू और क्या हो गया बाई का वैल्यू, तो बोलना है टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x / y, है ना।
तो टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू वन बटा वन प्लस वाई का वैल्यू वन बाई थ्री बटा वन माइनस वन बटा वन और वाई का मान वन बाई थ्री। तो टेन इनवर्स अब बताओ तीन एलसीएम हो जाए एक में तीन से तो तीन तीन में से तो थ्री प्लस वन वन माइनस वन बटा थ्री। तो टेन इनवर्स तीन आए चार बटा थ्री और यहाँ से थ्री माइनस वन बटा थ्री तीन से तीन टाइम से तो टेन इनवर्स चार और तीन में से दिया दो तो दो दो ने चार तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या टेन इनवर्स टू है टेन इनवर्स टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन ऑप्शन ए। समझ में आया होगा समझ में अगर आता है ना विद्यार्थी तो अपने दोस्तों के बीच लिंक को शेयर कर दिया जाए ताकि सभी को फायदा हो सके। टाइम इनवर्स टू क्वेश्चन होगा आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन ए। चलिए नोट कर लो अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री बराबर भाग ये 2017 के पेपर मेंटल में पूछा है। पहला में ऑप्शन दिया पाई बाई फोर बी में ऑप्शन है पाई बाई टू सी में ऑप्शन है पाई बाई थ्री डी में है पाई। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग शुरू से सोल्व कर रहे हैं विद्यार्थी उसी प्रकार से इसमें भी सोल्व करना। तो यहां से सॉल्यूशन तो टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री ये सॉल्यूशन हो रहा एक्स का मान हो गया और ये क्या वाई का मान हो गया। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो टेन इनवर्स एक्स का मान क्या हो गया वन बाई टू अब वाई का मान वन बाई थ्री वन माइनस वन बाई टू और वन बाई थ्री। तो टेन इनवर्स आगे देखना इसको सॉल्यूशन कर रहा है यहाँ पर टेन इनवर्स दो और तीन का एलसीएम छः हो गया छः में दो से भाग दो तीन तीन में एक से तो थ्री तीन दो नहीं दो दो में एक से तो दो वन माइनस वन बटा छ। टेन इनवर्स तीन और दो पाँच बटा छ छ माइनस वन बटा छ। तो यहाँ से हो रहा टेन इनवर्स पाँच बटा छ और छ ऊपर चला रहा नीचे पाँच चला रहा पाँच से पाँच कैंसिल छ से छ कैंसिल। तो टेन इनवर्स वन हो गया वन में कितना का वैल्यू होता है तो टेन पैंतालीस पाई बाई फोर टेन से टेन कैंसिल पाई बाई फोर और पाई बाई फोर ऑप्शन पश्चिम है ए में ऑप्शन एट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सी ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है। आप लोग बनाइए और मेहनत करिए जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया विद्यार्थी ना वो मैं पूरा हिसाब सॉल्यूशन करा दूंगा समझे। चलिए तो आगे मैं चलता हूं छाप ले या स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए आज एक क्वेश्चन है कि टाइन इनवर्स वन बाय टू प्लस टाइन इनवर्स दो बटा ग्यारह बराबर टाइन इनवर्स ए, और ऑप्शन ए में है वन बाय फोर, बी में है वन बाय टू, सी में है तीन बटा चार और डी में है ओवन, और इसको सॉल्यूशन करना। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। टाइन इनवर्स वन बाय टू प्लस टाइन इनवर्स दो बटा ग्यारह, ये एक सौ हो जा रहा और ये क्या हो रहा बाई हो रहा। तो टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स बाई बराबर टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर? जैसा बताइए ना, एक्स का मान क्या हुआ? तो टाइन इनवर्स एक्स का मान हो जाए वन बाई टू और वाई का मान दो बटा ग्यारह, वन माइनस वन बाई टू दो बटा ग्यारह। टाइन इनवर्स ग्यारह दूनी बाईस, बाईस में दो से भाग दो ग्यारह, ग्यारह में एक से मल्टीप्लाई तो ग्यारह प्लस ग्यारह दूनी बाईस दो दूनी चार, वन माइनस दो बटा बाईस। तो यहां से हो रहा टेन इनवर्स ग्यारह चार पंद्रह बटा बाईस, और यहां से बाईस माइनस दो बटा बाईस, बाईस से बाईस कैंसिल, तो टेन इनवर्स पंद्रह बटा बीस, पांच या पंद्रह पांच और बीस, तो टेन इनवर्स तीन बटा चार। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन तीन बटा चार, मानो ए का जो मान आएगा वो क्या आएगा? तीन बटा चार आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा विद्या ऐसी तो नोट कर लीजिए अच्छा से, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए तो आगे मैं चलता हूं। आगे है सेटा स्क्वायर इंटू टाइन इनवर्स टू प्लस कॉसेटा स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स थ्री बराबर भाट है, और ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया। ऑप्शन ए में है 13, ऑप्शन बी में है 15, सी में है 52 और डी में है नन ऑफ दीज। बताइए ना इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन होता? इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन होता? आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सेटा स्क्वायर इंटू टाइन इनवर्स टू कॉसेटा स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स थ्री। अब यहां से टाइन इनवर्स टू बराबर एक्स, तो टाइन एक्स बराबर टू लेट मान रहे हैं, तो cot इनवर्स 3 बराबर y, तो cot y बराबर क्या 3 सेट, ये पूरा टर्म क्या है x है तो x प्लस पूरा टर्म क्या है y तो y। अब सेटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, और cosेटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर y, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का मान क्या है दो, टेन एक्स का मान क्या है दो, तो दो का स्क्वायर,
और वन प्लस बाई का मान क्या है तीन, तो बताओ तीन ट्रांसफर, तो वन प्लस चार वन प्लस नौ, नौ एक दस चार चौदह पंद्रह, अब पंद्रह क्या हो जाएगा आर एच एस हो जाएगा, और मानो आर एच एस का मतलब नहीं ये पंद्रह क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन इसी टाइप का बना लीजिएगा, मैं दे देता हूँ, सेटस पर टेन इनवर्स पांच प्लस प्रोसेटस पर प्रोट इनवर्स पांच, ऑप्शन ए में है पंद्रह, बी में है बावन, सी में है जीरो, डी में है नन ऑफ दीज। अब बताइए ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब है दो ट्रांसफर कितना चार और तीन ट्रांसफर कितना नौ, तो नौ चार तेरह आए चौदह पंद्रह, तो पांच ट्रांसफर पच्चीस और पांच ट्रांसफर पच्चीस, तो पच्चीस और पच्चीस पचास और एक इक्यावन एक बावन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या ऑप्शन बी बना लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।